चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 3D का लास्ट टॉपिक। ठीक है, अच्छा, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये दो टॉपिक हमारे 2021 के CBSE सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। तो ये दोनों टॉपिक हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कौन कौन से? एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन एंड एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये दो टॉपिक हम लोग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक अब आज के इस 3D का बचता है हमारा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। बच्चों इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है वैसे तो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसका, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसका आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत सिंपल सा है, आपको दो प्लेन बनाने पैरेलल, ठीक है, और एक प्लेन की इक्वेशन आपको दी हुई है और दूसरा प्लेन में एक पॉइंट दिया हुआ है, तो बहुत ईजिली हो जाएगा। तो मान लीजिए पहले एक प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं। क्या होती है प्लेन की इक्वेशन? आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, या फिर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है, और एक इक्वेशन होती है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। आपको ये पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीन इक्वेशन को अच्छे से समझ के और याद रखना है। ठीक है, यदि ये तीन इक्वेशन का देखते ही आपको मतलब समझ में आता है, प्लस आपको ये तीन इक्वेशन याद है, तो बिलीव मी प्लेन के कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बहुत इजीली हिट कर पाओगे, यदि आपको फॉर्मूले याद हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और ये तीनों इक्वेशंस क्लियर हैं। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ कि कौन सी इक्वेशन क्या है। देखो तीनों ही प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, तीनों ही प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं। पहली और दूसरी वैक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तीसरी वाली कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, पहली इक्वेशन में देखिए एन कैप है, ये यूनिट वैक्टर है। ठीक है जी, ये क्या है? यूनिट वैक्टर है। लिख देता हूँ एक बार, दिस इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन की ये इक्वेशन है उस प्लेन के नॉर्मल, ये यूनिट वेक्टर है। और डी क्या है बच्चों? ये डी है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, ये डी, स्मॉल डी जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है। मगर ठीक इसी इक्वेशन को यदि मैं चेंज करके सेकेंड वाले तरीके से लिखा, यानी यहाँ जो एन कैप था वो बन गया एन वेक्टर, यानी ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये क्या है बच्चों? ये है वेक्टर, जस्ट अ वेक्टर, परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरीली अ यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर है। तो यदि ये नॉर्मल वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल मतलब एक जस्ट ऐसा वेक्टर जो कि यूनिट मैग्नीट्यूड का नहीं है, तो नॉर्मल को यहाँ पे ले सकते हैं, नॉर्मल और परपेंडिकुलर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, जो भी आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में लिखा हुआ है वो नॉर्मल वेक्टर ही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है, बट पहले इक्वेशन में वो यूनिट वेक्टर है, दूसरी में यूनिट वेक्टर नहीं है। जब वो यूनिट वेक्टर है तो ये जो डी आ रहा है राइट साइड में, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, मगर यदि ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये डी इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डी इज जस्ट अ नंबर विच इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यदि इसको मैं एन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये डी बन जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए कैसे, इसको क्या करते हैं, कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म या कन्वर्टिंग टू इक्वेशन वन। इसको इक्वेशन वन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी है, यदि मैं दोनों तरफ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी, आई कैन डू दिस, और ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों एन कैप। तो दिस इंप्लाइज दैट आर वेक्टर डॉट एन कैप, तो ये वैल्यू जो है ये बन जाएगी एन कैप। तो जो राइट वाली वैल्यू है डी अपॉन मॉड ऑफ एन कैप, दिस इज एक्चुअली ये जो स्मॉल डी है ना, इसके तरीके से बन गई ये। तो ये वैल्यू जो बच्चों हैं, ये वैल्यू ये बन जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है जी, तो आपको यदि नॉर्मल, नॉर्मल नहीं बोलता, एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन को जो जिसमें आर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में यूनिट वेक्टर ना हो,
ठीक है, इस फॉर्म को देखते हुए यदि आपको डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसमें एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दोगे, जैसे मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में ये वैल्यू बन जाएगी एन कैप, और राइट साइड में डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन कैप, ये दे देगा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत छोटा है लेकिन क्लियर होना बहुत जरूरी है, बच्चे इसमें कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं, वो देखते ही नहीं है कि यहाँ पे एन वेक्टर है कि नहीं, इसको यूनिट वेक्टर चेक ही नहीं करते, और राइट साइड में जो वैल्यू है उसको डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन मान के चल लेते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते आए हैं, क्योंकि पहला जो फॉर्म है उसमें एन कैप है, देयरफॉर राइट साइड रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, मगर इस वाले फॉर्म में ये एन कैप ना होकर नॉर्मल कोई ऐसे ही एन वेक्टर है विदाउट अ यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड नहीं है इसका। तो ये जो डी वैल्यू डी है, जो राइट साइड में जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज नॉट नेसेसरली द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो ये तो वही वेक्टर इक्वेशन की बात। अब करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी ए बी और सी, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। यानी ए बी एंड सी, यहाँ पे क्या है बच्चों, लिख देता हूँ एक बार, देखिए लिख देता हूँ, ए बी एंड सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। यदि कोई पूछे परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है इसको, तो क्या कर दोगे, इसको सिंपल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये बच्चों बन जाएगा एक तरीके से एन वेक्टर, जो कि हमने सेकेंड इक्वेशन में देखा था। ठीक है, और जो एक्स वाई जेड है उसको हम आर वेक्टर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो दिस इक्वेशन बेसिकली विल बिकम आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, जिसमें एन वेक्टर इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, यदि ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड है वो सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड के इक्वल बन जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर ये जो डी है वो डी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन देखने को मिलेगी, आप समझ जाओगे कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, या फिर डायरेक्शन रेशियो टू द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, और डी जो राइट साइड में वो जस्ट एक नंबर है। यदि इस ए प्लस बी प्लस ए बी और सी को हम डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो जो a अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू है, b अपॉन दिस वैल्यू, c अपॉन दिस वैल्यू, ये क्या बन जाएगा, ये नई वैल्यू जो बनेगी ये एक तरह से यूनिट वेक्टर बन जाएगी, और यहाँ भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग थ्योरी लगभग पूरी खत्म कर चुके हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अभी तक सबके क्लियर हो जाने चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक बार आप ध्यान से वीडियो को चाहो तो एक बार दोबारा देख लो और इन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि अगला टॉपिक हम जो क्लियर करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, उसमें इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक्चुअली में डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ क्विकली जरा। ठीक है, देखिए एक बार मान लीजिए ये बन गई एक्स एक्सिस, या इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं बच्चों, ये बन गई एक्स एक्सिस, ठीक है, ये बन गई y एक्सिस, और ये बन जाएगी फिर z एक्सिस ना, x से y की तरफ जाओगे तो z डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट करेगा, तो ये x, ये y और ये z। ठीक है जी, ये ओरिजिन हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए अब एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों क्विकली जरा। ठीक है जी, एक प्लेन बना लेते हैं, मान लीजिए ये एक प्लेन है, कोई तो भी प्लेन हो गया। ठीक है, तो अब इस प्लेन पर क्या करना बच्चों, किसी तो भी पॉइंट है, पॉइंट P है, इस पॉइंट P की इस प्लेन से आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे बच्चों आप, देखो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये कैसे निकलेगी, देखिए एक बार ये डिस्टेंस निकालनी है आपको। मान लीजिए ये फूट को मान लेता हूँ, ये Q मान लेता हूँ इसको, तो पी क्यू डिस्टेंस निकालनी। इस प्लेन की इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, इस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है आर वेक्टर डॉट जनरल इक्वेशन लेता हूँ एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, या फिर इसको लिख सकते हैं और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, कोई भी फॉर्म मान लीजिए, ये वेक्टर फॉर्म है और इसी का सेम इसका ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है आपको, एक पॉइंट पी दिया हुआ है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट, इसे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। ठीक है जी,
तो ये हो गया एक्स वन वाई वन जेड वन एक पॉइंट है जिसके जिसकी डिस्टेंस निकालनी है आपको इस प्लेन से। तो बच्चों आपको पता होगा डिस्टेंस आप निकालते हो किसी पॉइंट की उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उस पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी। मैंने ये क्या किया कि क्या किया है पी क्यू जो है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है ठीक है ठीक है। तो पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है तो आइडिया क्या होता है डेरिवेशन में क्या कर सकते हैं इस पी के थ्रू एक प्लेन निकालूंगा मैं जो कि इस ओरिजिनल इस प्लेन का नाम दे देते हैं पाई वन ठीक है। तो एक और प्लेन बना लेते हैं मान लीजिए जो इस प्लेन के पैरेलल ही है ठीक है और इस पॉइंट पी से क्रॉस होता है ये पाई टू प्लेन मान लिया ठीक है। तो इस प्लेन की इस प्लेन पे पॉइंट पी सेटिस्फाई करेगा राइट ठीक है। और सिंस ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है तो जो फर्स्ट प्लेन की नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर वो सेकंड प्लेन की भी नॉर्मल वेक्टर होगी। तो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन एज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू सम सम लेट्स से सम म्यू ठीक है अ रियल नंबर जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब सिंस ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करते हैं या इसको पोजिशन वेक्टर मान लेते हैं इसका ओरिजिन से इसका पोजिशन वेक्टर मान लेते हैं बच्चों इसकी थोड़ा कलर डिफरेंट रखते हैं ठीक है। पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर गलती से ओरिजिन से इससे वो हो रहा है चलिए काम करते हैं इसको छोड़ते हैं। इस पॉइंट पी को मान लीजिए आप यहाँ से ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है ना तो क्या कर सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आई कैन से ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ठीक है बिकॉज मैंने बोला कि यदि इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ ए वेक्टर है ठीक है। तो ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी और प्लेन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इस प्लेन पर लाई करता है इसलिए आर वेक्टर की जगह में मैं ए वेक्टर लिख सकता हूँ। तो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू म्यू ये सेटिस्फाई करेगा। अब इन दोनों को कंपेयर करके आई कैन से आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर ठीक है बच्चों ये हो गया राइट। तो अब इस इक्वेशन से कंपेयर करो इसमें क्या है बच्चों यदि मैं मॉड एन से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी बाई एन वेक्टर। देखिए ये जो हमने लास्ट पेज पे देखा था ये बन जाएगा एन कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर डी अपॉन एन वेक्टर का मॉड। तो ये बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसमें ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो ठीक उसी तरीके से आई कैन से कि ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट मॉड ऑफ एन वेक्टर ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी इस प्लेन पाई टू की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है फर्स्ट प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो दोनों ही क्या होंगी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होंगी। तो इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस या पी क्यू कैसे मिल जाएगी मुझे इसको और इसको माइनस करने से। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगी बच्चों दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो देखिए डी अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर ठीक है। इसका मॉड निकाल लूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी ये जो रिक्वायर पी क्यू है ना डी को मैं पी क्यू बोल सकता हूँ पी क्यू की वैल्यू ये मिल जाएगी मुझे ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मॉड और ऊपर भी मॉड है दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस पी क्यू। ये फॉर्मूला बच्चों में याद रखना पड़ेगा ठीक है। इसको याद करने का तरीका आपको समझाता हूँ क्या करना है। देखो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए थी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी कंपेयर करो तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी ठीक है। आपको डेरिवेशन मैंने बता ही दिया ना चाहते हुए भी देखिए बच्चों अब इसको इस गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन से कंपेयर करिए इस वैल्यू को। तो यदि इस वैल्यू को डी को मैं लेफ्ट में लेके जाऊँ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है इसमें मैं आर वेक्टर की जगह सिर्फ ए वेक्टर प्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी
ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब उस वैल्यू में मैं डिवाइड बाय क्या करूँगा, मॉड ऑफ एन वेक्टर, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वो याद कैसे रखना है कि इक्वेशन ऑफ जो प्लेन है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी इक्वल टू जीरो, उसमें आर की जगह ए वेक्टर रखना है, डिवाइड बाय मॉड एन कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, और इसी चीज़ को यदि मैं कार्टेशियन में लेके जाऊँ तो क्या होगा बच्चों, देखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। मान लीजिए जिस पॉइंट की मुझे डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन निकालनी है, वो पॉइंट है एक्स वन आई कैप वाई वन, या फिर जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है मुझे इस प्लेन से, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके कोऑर्डिनेट यहाँ रख के, तो ये वैल्यू बन जाएगी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मॉड, दिस इज डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम इस प्लेन को पाई वन मान लेते हैं ना, पाई वन फ्रॉम द प्लेन। तो ये फॉर्मूला बच्चों को याद रखना है, कौन सा वाला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। इस प्लेन की इक्वेशन में, सिंपल कार्टेशियन इक्वेशन में, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस, थंब रूल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वर्किंग रूल बता रहा हूँ कि आपको क्या यूज़ करना है, गिवन प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख के डिवाइड बाय एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। साथ में इधर क्या करना है आपको बच्चों, यदि वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, ये वाली इक्वेशन दी हुई है, तो इसमें आर वेक्टर की जगह वो ए वेक्टर, जिस पॉइंट से आपको प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, ए वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, ये वैल्यू। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस पर क्विकली एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, जैसे आपको थोड़ा सा समझ आएगा। देखिए मान लीजिए यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू माइनस थ्री कॉमा फोर फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप इज इक्वल टू फोर। ये आपको प्लेन की इक्वेशन मिल गई और ये पॉइंट मिल गया। अब इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो मैं आपको बच्चों वेक्टर तरीके से भी करके दिखाऊंगा और कार्टेशियन से भी करके दिखाऊंगा, दोनों से ही हमारा रिजल्ट सेम निकलना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए सॉल्यूशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, वेक्टर फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी के लिए, ये प्लेन की इक्वेशन लिखी मैंने, तो डिस्टेंस के लिए बच्चा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डी इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी डिवाइड बाय एन वेक्टर्स का पूरे का मॉड, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बच गया, आर वेक्टर क्या दिया है, टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के, तो टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के कैप, दिस इज योर ए वेक्टर ना, ये ए वेक्टर हो गया, ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। और एंड वेक्टर क्या है, ये है आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्री के कैप माइनस डिस्टेंस डी फोर, सॉरी डिस्टेंस डी नहीं है, ये डी है, जस्ट डी। डिस्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, यदि ये यूनिट वेक्टर होता तो ये वैल्यू क्या होती, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती, और हम लोग निकाल के रहे हैं डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू माइनस थ्री फोर फ्रॉम दिस प्लेन, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन वन और नाइन, तो इलेवन, ठीक है जी, ऊपर वाले का भी मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो दिस वैल्यू विल गिव यू टू डॉट टू आई कैप डॉट आई कैप, जो टू माइनस थ्री डॉट माइनस वन प्लस के थ्री, फोर डॉट थ्री इज ट्वेल्व, ठीक है जी, ट्वेल्व, दिस वैल्यू माइनस फोर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ इलेवन, इसका मॉड चाहिए मुझे, तो 17 माइनस फोर 13 बाय रूट इलेवन, सो 13 बाय रूट इलेवन इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस ऑफ, ये पॉइंट ए है जिसके पोजिशन वैक्टर ए कैप, ये सॉरी ए वैक्टर है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब इसी को यदि मैं कार्टेशियन के थ्रू सॉल्व करूँ तो क्या करूँगा, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करूँगा, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू फोर। सिंपल बच्चों, आर वेक्टर की जगह एक्स वाई जेड विथ प्रॉपर आई जे एन के
फिर डॉट प्लॉट करके खोलोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये सिंपल एक स्टेप में आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद आपको डिस्टेंस ऑफ प्लेन निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट निकालनी है फ्रॉम दिस प्लेन। तो क्या करोगे, एक्स वाई जेड की जगह एक गिवन कोऑर्डिनेट प्लेस करोगे, ठीक है। तो करते हैं 2 माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 टाइम ऑफ जेड माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या था बच्चों, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट निकालना, ये चीज़। यानी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस पूरे का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू क्या बन गई, 3 to 5 और 12 70 माइनस 4, अगेन वही रिजल्ट आ गया 7 13। ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 2 और 9 11, सेम वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो सिंपल है, किसी भी पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है आपने सीख लिया। एक दो क्वेश्चंस आप अपने खुद से भी ट्राई कीजिए बच्चों, और यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से भी थोड़ा स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हो आप लोग। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट बच्चों, 3D और वेक्टर के मार्क्स बहुत ही मतलब फ्री के मार्क्स होते हैं बोर्ड में, ठीक है। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जा सकता है, उसके क्वेश्चंस कई बार बच्चों समझ में नहीं आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप स्पेशल एफर्ट लगाएं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के ऊपर और कोशिश करें कि उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। लेकिन 3D में तो आप एक बार अच्छे से जस्ट कर लेंगे और फॉर्मूला शीट तैयार रखेंगे तो आप पूरे मार्क्स 3D में पा जाएंगे बच्चों।